तो ये सुविधा कौन दे रहा है? था भाई और यहाँ पे ये सर। हर एक प्रोडक्ट के साथ डाटा इन्वॉल्व होगा, आपकी ओमेल के साथ डाटा इन्वॉल्व होगा, ओनेट के साथ डाटा इन्वॉल्व होगा, ओट्रिम के साथ डाटा इन्वॉल्व होगा, उन सभी डाटा की हम यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज देने वाले हैं। तो झंझट खत्म हो गया ना आपका, एक टेंशन खत्म हो गया ना कि मैं डाटा कहाँ स्टोर करूंगा। और काम खत्म वो साथ साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक नायाब कॉम्बिनेशन आपको देने वाले हैं, ठीक है, जो आपको ये सब चीजें करने में, ये सब चीजें एग्जीक्यूट करने में और इन चीजों को सुविधाजनक कर देगा। जो जो चीजें अभी अभी तक मैनुअली हुआ करती थी वो ऑटोमेशन में आ जाएंगी। और ओवरऑल जो सबसे बड़ी चीज ऑन पैसिव करने जा रहा है, ठीक है, ये सब चीजें आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में देने वाला है, बहुत कम कम दामों में आपको ये चीजें उपलब्ध करवा रहा है, ताकि हर एक व्यक्ति यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके। यहाँ पे कोई डिस्क्रिशन ना हो कि भी जिसकी जेब में पैसे वही बिजनेस कर पाए, जिसकी जेब में थोड़ा बहुत भी ये बिजनेस करने की इच्छा रखता है, आइए हम आपके साथ बैठे हैं, हम आपके बिजनेस को 220 देशों के साथ पहुंचाने के साथ साथ आपको गारंटीड ट्रैफिक देंगे, मतलब गारंटीड कस्टमर देंगे। कस्टमर आपके पास थोक में आ रहा है, अब उस कस्टमर को आप क्या सुविधा वहां पे दे पा रहे हैं, किस तरह से उसको अपनी तरफ खींच पा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और छोड़िए, जो ये भी नहीं कर पाते, जो ये सब कुछ नहीं भी कर पाते हैं, उनको भी यहाँ इनकम जनरेट करने का अवसर है। तो बहुत कुछ यहाँ है, तो उनकी उनकी तरफ आप बिल्कुल नजरिया रखें। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े और सीखिए सिखाइए, अगर आपने कुछ सीखा है तो उसको आगे भी डिसेमिनेट कीजिए। क्रिएट इवेंट तक हम पहुंच चुके थे, जिन लोगों ने भी जो जो, जो भी लोग हमारे साथ अभी यहाँ जुड़े थे, वो कनेक्ट को आपने ओपन किया, वहां पे आपको क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन आया, क्रिएट वेबिनार के ऑप्शन पे टिक किया, इवेंट नेम डाला और इवेंट का एजेंडा डाला, दोनों वहां पे लिख दिया जो भी आपका इवेंट का नाम और एजेंडा है। उसके बाद सीधा टाइम पे आ गए, अगर वहां पे डेट एंड टाइम आप चेंज करना चाहते तो चेंज किया, नहीं तो आप सीधा बॉटम में आके क्रिएट इवेंट कर सकते हैं। क्रिएट इवेंट पे जैसे ही टिक करेंगे आपका इवेंट क्रिएट हो जाएगा, और वेबिनार पे फिर जब आप टैब से उसमें जाएंगे तो आपको वहां पे एक क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको वो सारे लिंक आपके मिल जाएंगे। वहीं से एंड में जाके अगर आप वेबिनार शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट पे टिक करेंगे आपका वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये मिला, घर पे कीजिए ना, अपने परिवार के साथ कीजिए, मत कीजिए बाहर लोगों के साथ, नहीं कॉन्फिडेंस है तो। तो सर मैं करेंगे हाँ, करेंगे जिस दिन आपस में कॉन्फिडेंस नहीं, भी कर बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं परमानंद जी, हैं। हाँ बिल्कुल हाँ सर हाँ आपस में भी कर सकते हैं, आपस में सर कीजिए ना, दो चार पांच दस एक मिनट क्वेश्चन आपस में कीजिए, आ रहा सर, अजय सर एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, पूछूं क्या? बिल्कुल पूछिए परमानंद जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसा बोला था एस सर ने कि बहुत सारे फाउंडर कम हो जाएंगे, जी इट मींस जो एक्टिव नहीं रहेंगे, अभी मैं देख पा रहा हूं कि 1 मार्च तक 6 महीने पूरे हो जाएंगे आपके फाउंडरशिप को, जी और आने वाले 6 महीने के बाद अगर आप फिर भी एक्टिव नहीं रह पाते हैं तो वो फाउंडर इट मींस खत्म हो जाएगा वो, बराबर? हाँ, देखिए 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 मिस्टर ऐश ने कहा, ये जरूर फाउंडरशिप को वो दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे फिर, ठीक है ना। अभी ये अपॉर्चुनिटी कब तक है उस पर हम डिबेट ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन 1 सितंबर 2024 तक जो कर लेंगे एक्टिव, वो डेफिनेटली जो है फाउंडिंग मेंबर का ये जो टैग है कंटिन्यू करेंगे। और जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या होगा, उनका क्या रहने वाला है, उसके बारे में अभी मिस्टर ऐश बताएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन 1 साल का ये स्पैन बहुत है। मिस्टर ऐश ये बहुत भली भांति जानते हैं कि इस ड्यूरेशन में जितने भी उनके फाउंडिंग मेंबर छूट चुके होंगे, रह चुके होंगे, ठीक है, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और अगर वो उन अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे और पैकेज को एक्टिवेट कर लेंगे तो हम उनको अपने साथ एज ए फाउंडिंग मेंबर जरूर कैरी करेंगे। अदरवाइज उनके लिए फिर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है वो मिस्टर ऐश अभी हमारे साथ उन्होंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली 1 सितंबर 2024 तक आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, अभी भी आप पैकेज एक्टिवेट करके अपने फाउंडिंगशिप के टैग को रिटेन कर सकते हैं। तो सर बहुत कहने के बावजूद भी आदमी अगर नहीं करता है, नहीं करता है तो वो इट मींस फिर कैसे देखिए टिकेगा, दो बड़ी चीजें हैं, दो मुश्किल। चीजें हैं परमानंद जी, दो चीजें हैं। एक ऐसा होता है कि आदमी का ना सौभाग्य होता है, तो यस अगर सर, किसी यस के सर, भाग्य में कोई चीज अभी लिखी नहीं है, ठीक है, आप कैसे उसे जबरदस्ती दे दोगे? दूसरा बराबर उसकी मेहनत, दूसरा उसकी मेहनत, ठीक है ना, अगले ने मेहनत ही नहीं कर रखी है, जब मेहनत ही नहीं कर रखी है तो उसको भाग्य भी साथ नहीं देगा।
तो बड़ी मुश्किल से तो फाउंडरशिप मिली ना सर, अपने पुराने जन्म के कोई बात कर्म नहीं, अपने कोई बात साथ होंगे। नहीं। मतलब यूं मानो देखिए कि कोई ना कोई अच्छे कर्म अपने परिवार ने या हमने किए होंगे तभी तो फाउंडरशिप मिली, नहीं तो 1 अरब 40 करोड़ के देश में मात्र 6 लाख 5 लाख आईडीज होना, आईडीज मतलब एक एक घर में चार चार पांच पांच आईडीज है, तो इट मीन्स आप जिस प्रकार से एक बार मैंने आपको सुना था तो लगभग 2.5-3 लाख लोग होंगे सर। इतने ही होंगे परमानंद जी, एग्जैक्ट नंबर नहीं हमें मालूम है, बट हाँ इतने ही लगभग होंगे, लगभग ज्यादा भी बता हो रहा सकते हूँ। हैं, कम भी हो सकते हैं। देखिए लोगों की मल्टीपल आईडीज भी हैं यहाँ पे। अब मेरी मेरी अपनी बात करूंगा, मेरी मल्टीपल आईडी है, तो दो आदमी नहीं है ना, हमारी एक घर ही में भी आदमी है। 4 आईडी है बराबर सर। हाँ तो एक दो आदमी नहीं है, वो है ना, वो एक ही आदमी हुआ ना, तो उस तरीके से हम लेकर चलते हैं। बट इवन देन देखिए रिटेन कितने लोग कर पाएंगे यहाँ पे, सस्टेन कितने लोग कर पाएंगे यहाँ पे। देखिए 4 साल पहले आपको जो कुछ भी बोल के फाउंडरशिप आपने ले ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने इन 4 सालों में किया क्या? इन चार हाँ सालों कुछ में जो डेवलपमेंट हमने की है, जो अचीवमेंट हमने की है, अगर वो डेवलपमेंट और अचीवमेंट से वो जुड़े नहीं रहे, ठीक है, या तो ये मुख्य कमी जो है ना, ब्लेसेस की है, जिन लोगों ने भी ब्लेस किया है ना, लोगों को भेड़ भेड़ चाल की तरह भर दिया है और फिर उनको एजुकेट नहीं किया, ये उन लोगों के साथ ज्यादा समस्या आ रही है। अब जैसे हमारी मेरी अपनी मेरा छोटा सा परिवार है, और उस छोटे से परिवार में ना एक एक आदमी जो है, मतलब वो इन चीजों को समझ रहा है, और जो लोग शुरू से ही एक्टिव नहीं रहे वो अभी भी एक्टिव नहीं है, उन बिल्कुल सर, यही लोगों को यही अभी हो भी रहा वो है। इस वैल्यूज। इसीलिए मतलब कई लोग वो सही बोला है सर ने, क्योंकि आप और हमारी सोच जहां से खत्म होती है वहां से तो उनकी चालू होती है सर, तभी तो उन्होंने बोला है कि कई लोग फाउंडरशिप को खो देंगे, तो ये सही है, खोएंगे वो, और फिर बाद में जब पछताए धोत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात हो जाएगी। फिर एक छोटी सी कहानी देखिए याद आ रही है सर, देखिए देखिए सुना रहा हूँ मैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी पछता रहे हैं, अभी भी। मैं अपने परिवार की बात करूंगा, अपने आसपास के दोस्तों की मित्रों की बात करूंगा, तो वो लोग अभी मुझे ये कहते हैं कि यार थप्पड़ मार के बोलता तो बिल गा देते हम। सही बात है बिल्कुल, पर तो वो उस टाइम नहीं जब प्यार सुनता। से समझा रहा था ना, देखिए परमानंद साहू जी, जब हम प्यार से उनको समझा रहे थे ना, तो नहीं समझ में आ रहा था। क्यों समझ में नहीं आ रहा था? क्योंकि ये उनकी समस्या नहीं है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो गार्बेज है ना मार्केट में, ठीक है, आप हाँ कंपनी जैसे ही बोलते हो ना, जैसे ही कंपनी बोलते हो ना, बस बस वैसे ही वहां से शुरू हो जाता है प्रोग्राम। कंपनी यस, मतलब धोखा। धोखा सर बिल्कुल, और लाखों लोगों के साथ हुआ है और डेली हो रहा है। तो देखिए जो जिस तरह की समझ रखता हो ना, वो इसीलिए तो कह रहे हैं यहाँ समझ बनानी पड़ेगी। अब हम लोगों को अप्रोच करते हैं ना, तो हम लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको अप्रोच करते हैं, ठीक है। अगर कोई ह्यूमैनिटी और मतलब अगर कोई दान पुण्य करना, लोगों की हेल्प करने में विश्वास करता हो ना, तो उस व्यक्ति के साथ उस संदर्भ में ये इस मतलब अब ऑन पैसिव एक ऐसा मतलब व्यवसाय है ना, इसके बहुत बहुत मल्टीपल मल्टीपल वेज से लोगों को आप यहाँ लेकर आ सकते हो, ठीक है, मल्टीपल वेज से। सर अब ये किसके ऊपर कौन कितनी सा बड़ी रास्ता बात ठीक है, बैठता आप सब लोग इतना त्याग कर रहे हैं, मैं तो मतलब सोच के दंग रह जाता हूँ। इतना टाइम आप लोग देते हैं उसके बावजूद भी लोग, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 लोग या 50 लोग या 80 लोग आते हैं, क्या इन लोगों के अपने एक एक दो दो मित्र नहीं है, या इन लोगों की अपनी आईडीज की नहीं, इन लोगों ने नहीं जोड़ा होगा, ये क्यों नहीं अप्रोच करते हैं आगे।